अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम केपी गुड फार्म इन अहमदाबाद। अस्सलाम वालेकुम मुसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सो इस वीडियो में आप ही इंट्रोड्यूस करिए कि कौन से बकरे देखने वाले हैं, किससे मिलेंगे हम लोग। एक और नए अपने दूसरे पुराने कस्टमर हैं जी, फैजान करके जी, अपना फ्रेंड भी है भाई जी, माशाल्लाह। तो इनके बकरे, ये सारे बकरे जो भी है निकाले, ये सारे इनके, सारे फैजान भाई के। फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। फैम में टोटल कितने बकरे आपके यहाँ पर? टोटल अभी 13 बकरे। 13 बकरे आपके यहाँ पर, माशाल्लाह। और जब ये बाहर आए तो मैंने नोटिस किया सब बकरे कुछ यूनिक कल्चर के, मतलब कोई पंजाब में है, कोई अजमेरा है, मतलब अलग अलग ब्रीड लाइन के हैं। आपको कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पंजाब पसंद है। पंजाब पसंद है, और सोजा। तो ये 12 बकरे आपने कहाँ, यहीं से लिए कि बाहर से मंगाए थे? टोटली मोहसिन भाई। टोटल मोहसिन भाई से। सो आपने चूज़ किए थे कि इनसे काफ़ी मशवरा किया था? नहीं, सब इनके ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो बकरा निकलते हैं इवन पालने के लिए या कुर्बानी के लिए कोई भी, सब ये डिपेंड, ये सिलेक्ट करते हैं हम। वैसे तो 12 बकरों में से ज़्यादातर का वज़न भी करेंगे, लोगों को दिखाएंगे भी, लेकिन एक ओवरऑल क्या आप सेटिस्फाइड हैं जैसा चूज़ किए थे बकरे वैसे बन रहे हैं? हाँ। आपको लगता है सर? हाँ। सही है। तो कौन सा बकरा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये 12-13 में से? ये आपका फेवरेट है? वाइट खोर है भाई इसके तो। सोजत में ही बोलेंगे इसको, इसका नाम भी ढोलक रखे। तो मुझे भाई कितने वजन पे दिए थे आपने बकरा इनको? ये बकरा 91 पे था, बकरा बीमार पड़ा, फिर थोड़ा ये सही हुआ, फिर अराउंड 96-97 पे होगा आई थिंक जब इनको बकरा दिया था। अच्छा। और ये बकरा दिया था इनको नवंबर में दिया था, दिसंबर में। उसके बाद से आज 4-5 महीने हुए कुछ, तो देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। मेरे को तो लगता है 100 तो पार ही है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह होगा 100%। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ये लेंथ में इतना लंबा बकरा सूरत में गुलाबी में नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा नाराज़ है आप लोग से, हो ढोलक नाम रखे उसका आपने कि काफ़ी लेंथ, ढोलक नाम ही दे दिया। सही, सारे बकरे आपके पसंद किए हुए हैं क्या? आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि देखो हमेशा नहीं होता है, एक आध चूक हो जाती है आदमी से। वो भी सेटिस्फाइड है तो मैं आपसे पूछने लगा। हाँ। फिर इसके लिए माशाल्लाह, जो 5 बकरे है इन्होंने ये लिए थे आई थिंक अभी फरवरी मार्च में लिए थे। कौन से? पंजाब, 1-2, अजमेरा, गुजरी, फिर वो 4, ओके, ढोलक। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनका वेट कर लेते हैं और वहीं खड़ों के बात भी करेंगे। आप लोग एक एक करके बकरा वहाँ लाइए प्लीज़। ये बकरे की क्वालिटी चेक करें आप लोग। ये हाइट कितनी होगी आपके हिसाब से? 44 आराम से। 44। इसके पेट का साइज देखें आप, इसका साइड आर्म्स देखें, माशाल्लाह। One, two, three, 123, काफ़ी यूनिक नंबर भी आया। ऑन एवरेज मतलब महीने का कितना ये 4-5 किलो गेन कर रहा है? 5 किलो का है ना, तो इसके वो हिसाब से बकरे को 2 महीने हैं। सो क्या आप होप करते हैं अभी भी देगा? 130 प्लस तो होना चाहिए। और लाइक 100-120 बकरा स्लो भी हो जाता है भाई, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है 130 प्लस हो जाएगा। सही है। लाइए तो पंजाब बकरा है ये, फैजान भाई का फेवरेट आई थिंक, पंजाबी ब्रीड का बकरा। ये तो इनसे 1 साल और हुआ। अच्छा, जम कर दिया उसने। वेट देखना ज़रूरी है उसका, देखते हम लोग एक बार। ये 0 देख लीजिए आप लोग, वो इतना एक्टिव है कि उसने जम कर दिया था। ये बताइए, फुल पंच फेस में मेवा आती है। मेरे को लगा वापस 123 आएगा। 123, सही है भाई। आपकी टीम में सब सेंचुरी मार रहे हैं, क्या बात है। एक और, एक ढोलक आ रहे हैं, चलाओ ढोलक।
125। सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन में आई थिंक 1 2 3 1 2 4 और 1 2 5 ओके। लेकिन अभी तक के नंबर्स देखे आपने तीन बकरों पे? चलो 1 2 6 आराम से थोड़ा घबराते हैं क्योंकि ये नॉर्मली वेट मशीन पे आते नहीं है ना। आराम से वन वन नाइन बोर बकरा 35 केजी पे आया था आपको? 35 पे आया था। आपने अहमदाबाद से परचेस किया था बाहर से लोकल से? इट्स 68 केजीस नाउ 70 केजीस अराउंड। ये अभी कितने दांत पे मोहसिन भाई? इन्होंने लिया था जब अंडू था। अच्छा, उसके 2-2.5 महीने बाद हम लोगों ने इसको पंच करा। बाकी ये तो अगर अंडू भी रहे तो भी वेट गेन तो बहुत फास्ट है। जैसे अंडू से पंच करा तो उसमें थोड़ा वेट तोड़ता है। तोड़ते हैं हाँ। 1.5-2 महीने का जो गैप होता है रिवर्स भी आते हैं थोड़ा, अगर उसमें रिवर्स चला जाता है। सही है। ये भाग चुके थे भाई, वापस आए, देखते हैं इनका वेट। तो बहुत लाइन से आपके बकरे चल रहे भाई। लेकिन एक बात बोलता हूँ, अगर वो बकरा देखेंगे ना तो लगता नहीं है कि 100 किलो का है। पंजाबी बकरे उनकी बोन डेंसिटी बहुत हाई होती है, जो वो गुजरी हैं। ये भी लास्ट में लिया था, ये 114। बस एक बोर बकरा आपका एक स्लो बैट्समैन है, बाकी सब सेंचुरी मार दिए हैं। छोटा भी है ना भाई अभी वो? हाँ, इन भाई को सेंचुरी की आदत है इसके लिए। सोजन 113-114 माशाल्लाह, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। एक ही जन के इतने 100+ बकरे मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई। फार्म्स पे देखते हैं हम लोग, लेकिन वो ओनर के होते हैं, कोई ग्राहक के फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इट। वो किसको लाइए? मोहसिन भाई, ये बकरे की क्या डिटेल पे आया था? ये अपने से लिया था इन्होंने भी, 118 केजी का बकरा है अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए नेवा पंजाब क्रॉस। ओके, ये बहुत यूनिक बकरे, ऐसे मिलते नहीं है। और ये इतने लंबे कान में और ऐसे पंच में बहुत रेयर मिलता है। हाँ जी, तो कोई हैदराबादी भी बोल सकता है इसको तो, कान क्योंकि बहुत लंबे हैं। बहुत यूनिक है। सो आई थिंक ये लास्ट बकरा हम लोग देख रहे हैं ना। और ये हैदराबादी सोजन? हैदराबादी, ये होम ब्रीड का बकरा। अच्छा, ये अपनी अपने फार्म का ही है? 108 केजी। तो आपको प्राउड फील होता होगा भाई, मतलब 3-4 किलो का बकरा आज है ना, अपने घर का बच्चा माशाल्लाह। सो ओवरऑल आपने वेट तो देख लिया अभी, अभी फ्रेंकली स्पीकिंग आप क्या सेटिस्फाइड हैं कि रिजल्ट थोड़ा कम है आपके हिसाब से? नहीं, सेटिस्फाइड तो फुल्ली है जी, मोहसिन भाई से जी। और पलाई वगैरह में जो मोहसिन भाई ध्यान देते हैं सब इनके जैसा। और आप कैसे, मतलब वीकली आते हैं, महीने में आते हैं? मैं 6 महीने में एक बार आता हूं। एक बार आता है ये भाई, दम मोहसिन भाई पे छोड़ के रखे होता है तो वीडियो फटाफट बोले जल्दी भेज, फटाफट वीडियो भेजो, आप वीडियो बाहर निकाल के भेजने की। सही है, तस्वीर में इसको वीडियो भेजते हैं। सही है, तो आप सबका वीडियो बना के भेज। अच्छा, जैसे कस्टमर कोई कोई नहीं आता है भाई, तो क्या आप लोग वेट करके रजिस्टर कुछ मेंटेन किए हो? एक जैसे आज इन्होंने बकरा कर लिया है तो इनके व्हाट्सएप पे आज की डेट में वीडियो भेज देंगे भाई, आज ये बकरा आपका ये वेट पे आया है जी। फिर हम लोग जैसे हम लोग प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बकरा, वो हम लोग हमारे फार्म पे हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एवरेजली वेट लेते हैं। 2 महीने में एक बार किया, कभी 1.5 महीने में कर लिया, उस हिसाब से हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं कि भाई 1 महीने में इतना बढ़ना चाहिए, अगर उतना नहीं बढ़ा है तो उस पर अलग से मेहनत की ज़रूरत है। फिर उसको अलग वाड़े में लेते हैं हम लोग और उस पर अलग से मेहनत होती है। तो अगर कोई मुंबई से और दूसरे शहरों से आपके पास रखे तो वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाए ईद के टाइम पे? कोई इशू नहीं, आराम से हो सकता है। एक एक ऑन एवरेज आदमी ये सब आपसे फ़ोन करके पूछ लेगा, लेकिन ऑन एवरेज यहाँ पर रखने में
जैसे मौसम का भी कुछ हेर फेर होता है बकरे बढ़ने में नहीं बढ़ने में? गुजरात का वेदर बकरों के लिए बहुत बेस्ट है जी। आप देखो कि ज़्यादातर फार्म गुजरात में ही है जी, कंपेयर टू दूसरे स्टेट से जी। और यहाँ का वेदर, यहाँ की डाइट बकरों की जो है वो दूसरे स्टेट से वो भी बहुत अलग है जी। तो इधर बकरे की वेट गेनिंग जो कैपेसिटी पर मंथ की है वो 4 to 5 kilo आराम से है पर मंथ जी, कंपेयर टू दूसरे स्टेट से, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट परफेक्ट सूटेबल है बकरों के लिए। ड्राई क्लाइमेट है जो बकरों को पसंद है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो सैंड भी मिल जाती है, तो वो बकरों के खुर मजबूत होते हैं, वेट गेन में मदद करते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया फैन भाई, और इतना बड़ा कलेक्शन, लाइक मैं तो वीडियो में नाम ही ये लिखूंगा, यू नो, और देने के बाकी। बहुत बड़ा कलेक्शन दिया है भाई आपने, और अहमदाबाद में लाइक मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कलेक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ठीक है। सो अगर आप लोग भी अपना बकरा रखाना चाहते हैं एट KP गोट फार्म, प्लीज़ दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। भाई का इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल भी है ना, जिस पे वो डालते रहते हैं बकरों के बारे में, अपने बकरों का अपडेट रहता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब KP गोट फार्म यूट्यूब चैनल। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया।